चलिए एरिना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए बेटा। सर्कुलर लूप। A circular loop is moved through the region of uniform magnetic field. Find the direction of induced current clockwise or anti-clockwise when the loop moves first into the field and second out of the field. चलिए तो पहला सवाल बच्चों बताइए, अगर लूप इनटू द फील्ड मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, बताओ जल्दी से। और आउट ऑफ द फील्ड, अगर अंदर जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी और बाहर जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की? तो अंदर जाएगी तो सर एंटी क्लॉकवाइज होगी और बाहर जाएगा तो सर कुछ ऑब्वियसली भी नहीं होगी। क्लॉकवाइज। क्यों नहीं होगी कुछ भी? सर एक बार बता दीजिए सर। चलिए देखिए बेटा, जैसे ये लूप अंदर की तरफ चलेगा, अगर मान लो अंदर की तरफ जाएगा तो इससे जाने वाला जो फ्लक्स है बच्चों वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कि डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब डाउनवर्ड साइड में फील्ड बढ़ेगा, तो डाउनवर्ड साइड में फील्ड बढ़ने का अपोज होगा, मतलब जो करेंट होगी वो फील्ड कौन सा अपोज करेगी? अपवर्ड साइड में। बोलो हाँ। हाँ सर। अपवर्ड फील्ड मतलब अंगूठा हाँ आपकी सर। तरफ, अंगूठा आपकी तरफ तो उंगलियां अपोजिट, मतलब आंसर एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, अंदर हाँ जाते सर। समय एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। हाँ सर। और जब बाहर निकलेगा तो फील्ड अच्छा अंदर की अच्छा तरफ हाँ जाएगा और तो क्लॉकवाइज। तो आंसर आउट ऑफ द फील्ड में क्लॉकवाइज यस क्लॉकवाइज सर। और इन में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लिख लिया आंसर, पहला एंटी क्लॉकवाइज, हाँ दूसरा सर। क्लॉकवाइज। आया समझ में एरिना? यस सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। नेम। Name the electromagnetic radiation used to destroy cancer cells and write its frequency range. चलो बताओ बेटा कौन सा रेडिएशन है डिस्ट्रॉय सर करने के लिए? गामा रेज गामा टेन रेज। और टू द फ्रीक्वेंसी पावर रेंज बता एटीन दो, हर्ट्ज टू टेन टू द पावर 22 हर्ट्ज। 10 की पावर 18 हर्ट्ज टू 10 to the power 22 हर्ट्ज। 22 हर्ट्ज। 10 की पावर 18 हर्ट्ज टू 10 की पावर 22 हर्ट्ज। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, चल जाएगा। 10 की पावर 19 हर्ट्ज भी है फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गामा रेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 10th हाउ। How are infrared rays produced? Write their two important uses. हाँ, इंफ्रारेड प्रोड्यूस कैसे होती है बताओ, और दो इंपॉर्टेंट यूज। हाँ So vibration of bodies of higher temperature. So their movement of electrons. So vibration of atoms. चलिए करेक्ट। Answer important uses. नाइट विजन कैमरा में होता है ना, और इंफ्रारेड टीवी रिमोट में होता है। टीवी ठीक, रिपोर्ट टीवी यस सर। रिमोट, नाइट विजन कैमरा। ओके। इंफ्रारेड प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, दीज वेज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी एंड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। ये थेराप्यूटिक पर्पस टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है, तो आप इसकी जगह नाइट विजन कैमरा कर लो। ठीक है बच्चों, ओके सर। ठीक है ना, नाइट विजन कैमरा और टीवी रिमोट। टीवी रिमोट में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। स्टेट। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड। अंडर व्हाट कंडीशन इज द एरर इन डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस मिनिमाइज्ड। सर व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ बताइए सर व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे बीटे? हाँ, और दूसरा पार्ट बताइए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द एरर इन डिटरमाइनिंग अननोन रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज। किस कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस की जो मेजर करने में एरर होती है उसको कम किया जा सकता है? वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिन पे एरर कम से कम आएगा, बताइए। सर बाय टेकिंग द गैल्वेनोमीटर द मेजरमेंट इन द मिडल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। बाई टेकिंग द गैल्वेनोमीटर, क्या बोल गए फिर से बोलो। सर वो बीच में सर मेजरमेंट लेने के लिए सर मीटर ब्रिज वायर में। अच्छा सर सबसे कम सर। वर्किंग ऑफ द मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, सेकेंड, बिल्कुल सही। द एरर मे बी मिनिमाइज बाई टेकिंग द बैलेंसिंग लेंथ नियर द मिडल ऑफ द ब्रिज, मतलब जो वायर होता है
अगर उसके बीच बीचों बीच में अगर रीडिंग आपकी आती है तो आपका जो सबसे करेक्ट रिजल्ट्स उस समय पे आएंगे, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ ये भी लिख सकते हो कि जो आपका अननोन रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो ऑर्डर होगा, मतलब जो आर फिट करते हो आप, तो उसका जो ऑर्डर है वो अननोन रेजिस्टेंस के ऑर्डर से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हो वो आपका ओम में है और आपने जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है वो किलो ओम में है, उस कंडीशन में आपको जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो किसी एक तरफ मिलेगा, समझ गए ना। तो अगर आप दोनों लगभग लगभग बराबर ऑर्डर के हैं तो आपको बैलेंस पॉइंट सेम मिलेगा, बीच में मिलेगा लगभग लगभग। क्लियर हुआ एरीना कि नहीं हुआ इसका मतलब? यस सर, क्लियर है। चलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज है उसको सर बहुत ही थिन रखें ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, उसको तो हमको जो रेजिस्टेंस दिया गया उसे हम मेज़र करना है, ये तो डिवाइस ही रेजिस्टेंस को मेज़र करने वाली है, तो हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं कि उसको हम क्या करेंगे, ठीक है ना। हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, जो हमें दिया गया उसको हम इस्तेमाल करेंगे ना इसमें। बट हमें कह रहा है कि आपको उसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, देखो कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द एरर इन डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड, किन परिस्थितियों में जो एरर होगी वो सबसे कम होगी। तो एरर सबसे कम तब होगी जबकि आपका जो मीटर ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट होगा वो लगभग बीचों बीच मिलेगा। अभी आया समझ में आपको कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए एरिना। क्वेश्चन नंबर 12 इन एन इलेक्ट्रॉन, An electron and a proton moving with the same speed enter the same magnetic field region at right angles to the direction of the field. Show the trajectory followed by the two particles in the magnetic field. Find the ratio of the radii of the circular paths which the particles may describe. चलिए तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, सेम स्पीड से जाते हैं, ओके। तो मैंने क्या बताया था फार्मूला, आर इक्वल टू होता है एम वी अपॉन क्यू बी, ये फार्मूला हुआ करता है, ओके, एम वी अपॉन क्यू बी। उससे आप यहाँ पे जो निकालना है आप उसको निकाल लेंगे, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो देखिए वेलोसिटी भी सेम है क्योंकि आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी है, तो बी भी सेम है, आपका वी भी सेम है, आपका क्यू भी सेम है, क्योंकि इस बार आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज सेम होते, तो मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका जो मास ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कर्वेचर बनाएगा और रेडियस ज़्यादा होगी उसकी, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसका कम बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया कंसेप्ट बच्चों, रेडियस का जो रेशियो आएगा आर ई अपॉन आर पी इक्वल टू एम ई अपॉन एम पी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के मास का 1/1840, मतलब प्रोटॉन भारी होता है 1840 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा रेशियो, एम ई अपॉन एम पी इज़ नियर अबाउट 1/1840, तो प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी 1840 गुना इलेक्ट्रॉन की कम। बच्चों देखो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। लिख लेना बेटा कॉपी में कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन। डन एरिना, कोई क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत बेटा एरिना? यस सर। श्रुति क्लियर बेटा आपको? नो सर। चलिए राइट द ट्रुथ टेबल, यहाँ से निकलेगा ए बार, यहाँ से निकलेगा बी बार, इधर जा गया तो ए बार प्लस बी बार का होल बार हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए बार इंटू बी बार, मतलब ए इंटू बी। तो मुझे लग रहा है ये एंड गेट है, देखते हैं कौन सा गेट, मुझे एंड गेट लग रहा है, बिल्कुल सही एंड गेट है ये, ट्रुथ टेबल बन जाएगी। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा एंड गेट और ये वाला सर बता दीजिए। ये तो है ही नहीं सिलेबस में, क्या दिक्कत है? तो फिर भी एक बार सर समझा दीजिए। बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया ना इसलिए टाइम लग जाएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा, है ना। ओके सर। अलग से मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक दिन पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करो,
बता दूंगा, पूरा टाइम देके अच्छे से करा दूंगा अलग से ही, एक घंटे की क्लास में सारा कवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। ड्रॉ एरिया डायग्राम, Draw a ray diagram to show the formation of the image in a myopic eye. Show with the help of the ray diagram how this defect is corrected. Okay. Myopia. पढ़ो बेटा. Myopia or short-sightedness. Myopia is a defect of eye in which a person can only see nearby objects but fails to see far away objects distinctly. This defect is due to. इमेज फॉर्मेशन, ये इफ़ेक्ट क्यों होता है देखिए, इसमें जो आई बॉल जो होती है मोटी हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे जल्दी इमेज बन जाती है। ओके, जल्दी इमेज बन जाती है, और इसको सही करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये इसका मायोपिक आई है और ये करेक्टेड मायोपिया लेंस लगाने के बाद। पढ़ो बेटा, इट इज़ ड्यू टू, क्यों होता है? फर्स्ट डिक्रीज, It is due to decrease in focal length of the eye lens, spreading of eye sphere. Due to these reasons, the image is formed in front of the retina. Remedy. To eliminate this defect, a concave lens of suitable focal length is used. The equivalent focal length of concave lens and eye lens should be increased to a value such that the distinct image of far away object is formed at the retina. If a myopic eye has a far point at F, then the parallel rays from the infinity will be incident on concave lens and form its vertical image at F. This image will act as an object for eye lens and the final image eye will be formed at the retina. Clearly, for the elimination of myopia, the focal length of corrective concave lens will be equal to the distance of far point of myopic eye from the eye lens. Clearly, for the elimination of myopia, the focal length of the corrective concave lens will be equal to the distance for the far point of the myopic for the of myopic eye from the eye lens. चलिए बच्चों, डिफेक्ट वाला पार्ट आई का इस बार नहीं है सिलेबस में, मैंने बता दिया, बट सिलेबस में नहीं है, आई आँख वाला पार्ट हट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एरिना। टू सेल्स, टू सेल्स E1 एंड E2 ऑफ EMFs 5 वोल्ट एंड 9 वोल्ट and internal resistances of 0.3 ohm and 1.2 ohm respectively are connected to a network of resistance as shown in the figure. Calculate the value of current flowing through the 3 ohm resistance. Okay, चलिए 3 ohm resistance से जाने वाली करंट आपको बताना है। देखिए बेटा, ये दोनों की पोलरिटी देखो मैच हो रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको लगा कर के इसकी करंट आपको फाइंड कर लेनी है। तो किरचॉफ लॉ से आप इस सर्किट की करंट फाइंड कर लेंगे, उसके लिए आपको 6 और 3 को पैरेलल कर देना पड़ेगा। तो किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वो मेथड भी लगा सकते हैं। बेटा देखो, ये वोल्टेज 5 वोल्ट है, ये वोल्टेज 9 वोल्ट है, 5 की बैटरी ऐसी लगी हुई है और 9 की बैटरी ऐसी लगी हुई है। ज़्यादा पहलवान बैटरी कौन सी है, ज़्यादा मजबूत बैटरी कौन सी है, 9 की है। तो ये 9 है, ये 5 है, माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो जो नेट बेटा वोल्टेज मिलेगा सर्किट को, EMF मिलेगा, वो होगा 4 वोल्ट। किसके सपोर्ट में? 9 वोल्ट के सपोर्ट में। तो अब 4 वोल्ट लगाने के बाद देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 वोल्ट। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। पहला पार्ट आ गया। अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। बेटा देखो 1.2 ये है, 0.3 कितना है, तो ये हो गया कितना, 1.5 और 4.5। तो 1.5 और 4.5 सीरीज में कितना हो गया बेटा, 5 5 10 और 4 1 5 1 6। तो 6 तो आ गया इसका, इसका और इसका, तीनों का। अब 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है बेटा, 6 × 3 = 18, 18 + 9 = 2। तो 6 और 2 मतलब कि 8 वोल्ट, 8 ओम रेजिस्टेंस टोटल आ गया पूरे सर्किट का। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। यस सर। ओके, अब करंट इक्वल टू होता है टोटल वोल्टेज अपॉन वी, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो टोटल वोल्टेज कितना है बेटा, 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 8 वोल्ट। तो करंट कितनी आ गई, 1/2, मतलब कि 0.5 एम्पियर की करंट पूरे सर्किट से फ्लो होगी। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर। अब देखिए यहाँ से पूरे में से कितने करंट आ रही है, 0.5। अब मैंने आपको करंट डिवीजन रूल बताया था, 0.5। अब कह रहा है, वैल्यू निकालनी करंट की 3 ओम में।
तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जिसमें नहीं जा रही है तो ऊपर 6, 3 की निकालना है ना, तो जिसमें नहीं जा रही है उसमें 6 अपॉन टोटल दोनों का सम, तो 6 प्लस 3 कितना 9, समझ गया है बच्चों। तो 5 गुणे 6 कितना हो गया 3, 30 होता है मगर 0.5 है तो 3/9 है ना, तो आंसर कितना है 1/3 एम्पियर। तो जो करंट जाएगी बेटा वो कितनी जाएगी 1/3 एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। एरिना नहीं आया क्या समझ? यस सर। आ गया जी सर, आ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए बेटा। प्लॉट अ ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। चलिए फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट। हाँ पढ़ो पढ़ो। That must be applied across the parallel and the series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in the two cases becomes the same. ठीक है ना, दोनों की एनर्जी सेम है तो आपको कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो निकालना है। अगर 1:2 की कैपेसिटी है और उनमें सोदा एनर्जी स्टोर दोनों की इक्वल हो, अगर दोनों की एनर्जी, तो देखिए पहला वाला पार्ट देखिए, तो पहला वाला पार्ट कैसा बनेगा, इसके पहले भी मैंने आपको कराया था बेटा, बना लो डायग्राम। एक ग्राफ बनाना है आपको ई के साथ, तो ई के साथ वाला ग्राफ ऐसा आएगा और वी के साथ वाला ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बताओ एरिना पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो बेटा, लास्ट क्लास में थे ना आप? यस सर। बताया था ना इस तरीके का, भूल गए क्या यार बच्चों? अरे आर होता है बेटा, देखो ई के साथ आर स्क्वायर, हाँ तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और वी जो होता है आराम से जाता है, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ करता है, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ कट करेंगे एक दूसरे को, है ना, याद आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज ऑफ द कैपेसिटर C1 C2 रिस्पेक्टिव कैपेसिटी। तो बेटा C1 को मान लो C और C2 को मान लो बेटा 2C, ठीक है ना, और आपने एक में वोल्टेज V1 लगाया, एक में V2 लगाया, सो दैट एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एक पैरेलल में है एक सीरीज में। तो पहली व्यवस्था में पैरेलल ले लो, तो बेटा पहली व्यवस्था में अगर C1 C2 को पैरेलल लोगे, सॉरी सीरीज, पहले में सीरीज ले लो और दूसरे में पैरेलल लो, तो बेटा सीरीज लोगे तो नेट कैपेसिटेंस 2/3C आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? यस सर आएगा। ओके, और देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3C आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। ओके, अब एक बार कह रहा है कि अपन को जो है, कह रहा वी सीरीज का रेशियो निकालना है वी पैरेलल के साथ अगर एनर्जी सेम है, तो एनर्जी जो आएगी यू सीरीज इक्वल टू हाफ सी एस वी एस स्क्वायर और ये हाफ सी पी वी पी स्क्वायर, क्लियर है, और दोनों इक्वल हैं। और दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं बेटा, तो यू सीरीज और यू पैरेलल इक्वल हैं, तो बेटा वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू 2/9। चेक करो बेटा आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, दोनों की एनर्जी इक्वल है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 23 का पार्ट ए पढ़िए अरिना। हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर अफेक्टेड व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। हाँ बताओ अरिना कि अगर फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की कैसे चेंज होगी अगर इसको पानी में डुबा दिया जाए, तो बोलो जल्दी से। सर लेंस की होती है चेंज, मिरर की नहीं होती शायद। बिल्कुल सही बोल रही बेटा, वेरी गुड। नो चेंज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, कहीं भी रख दो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अ कॉन्वेक्स
A convex lens has 10 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? What is its focal length in water? Refractive index of air water is equal to 1.33. Refractive index of air glass is equal to 1.5. चलिए देखिए, दिया गया है अपने पास कि जो पहला जो पेयर दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि जो एयर में जो फोकल लेंथ है वो 10 है। तो एयर में क्या चलेगा बेटा फॉर्मूला, 1/F = 1/F air = क्या आता है म्यू जी। म्यू जी मतलब कि म्यू जी का मतलब होता है ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्टली कितना दिया है 1.33 - 1 / R1 - 1/R2। बोलो यस और नो बच्चों। यस सर। ओके, और दूसरा जो केस बनेगा बेटा वो किस में है, आप उसको जो लिक्विड में रख रहे हो ना, लिक्विड में रख देते हो है ना, आप जो है उसको किस में रख रहे हो, वाटर में रख देते हो। तो पहले वाले केस में फोकल लेंथ दी गई है, कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर। तो इसको चाहो तो आप मीटर में बदल लो, नहीं भी बदलोगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, कोई डरने की बात नहीं है। तो देख लीजिए इसमें सेंटीमीटर में ही कहा गया है। तो कैसे किया हुआ है मैं इसको पूरा आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है बेटा फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर जिसको कह दिया 10 = है ना म्यू जी। म्यू जी का मतलब कितना दिया है देखिए वहाँ पे 1.5 है ना, ग्लास का एयर से जो दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5। तो 1.5 - 1/R1 - 1/R2 बेटा ये 1/10 होगा, सॉरी, क्योंकि फार्मूला 1/F = होता है म्यू माइनस 1/R1 - 1/R2। बोलो श्रुति क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर है सर। दूसरा फार्मूला बनाओ बेटा 1/F = क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये जो आपका लेंस रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर मतलब जो क्या है रेस कहाँ से कहाँ चलेगी, लिक्विड से लेके ग्लास में, मतलब क्या बनेगा बेटा वो बनेगा L μg। तो एल म्यू जी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, म्यू जी अपॉन म्यू एल, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ? यस सर लिख सकते हो। तो बेटा म्यू जी की वैल्यू रख दो बेटा, कितनी है म्यू जी है 1.5 और म्यू एल की वैल्यू 1.33 - 1/R1 - 1/R2। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, ये कैंसिल हो गया। अब बचाओ एफ एल ऊपर चला जाएगा, तो एफ एल अपॉन 10 = कर लोगे बच्चों कि नहीं कर पाओगे बताओ? यस सर कर लेंगे। देखो श्रुति बेटा बनेगा, बन जाएगा बेटा, बन जाएगा सर। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रीना आप जिस दिन आए नहीं थे क्लास में ना फिजिक्स की, पहले दिन जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई थी, श्रुति ने और मतलब जितने डाउट थे फिजिक्स वाले पेपर में वो करवा लिए थे मुझसे, तो आप भी देख लेना एक बार वो पेपर जो आपके स्कूल में आया था फिजिक्स का, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेना। ओके ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर सेट थ्री करते हैं। सेट थ्री पहला क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा रीना क्वेश्चन नंबर 5। टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डू द वेव्स एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बिलोंग, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज? हाँ बताइए कौन सा, किस पार्ट में जो है निकलने वाली रेस जो है न्यू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को बिलोंग करती हैं? सर गामा रेस। गामा रेस और फ्रीक्वेंसी वही 10^19 से लेके 10^22 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ एरिना, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A rectangular loop of wire is pulled to the right away from the long straight wire through which a steady current I flows upwards. What is the direction of induced current in the loop? चलो बताओ भाई कैसी होगी बेटा, इसमें करंट अपवर्ड जा रही है और इस लूप को आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो बताओ कि इसमें कैसी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज होगी। वेरी गुड बेटा, क्या हो रहा है तो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही आया रीना, समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। देखो बेटा इसके कारण जो फील्ड बनेगा, आप अंगूठा लगाओ करंट की डायरेक्शन में, पकड़ो और अंगूठा लगाओगे तो देखो उंगलियां अंदर जाएंगी, मतलब इस तरफ जो फील्ड है वो इनवर्ड है ना बेटा? हाँ सर। अब बेटा इस इनवर्ड फील्ड से अगर आप इसको दूर ले जाओगे, एक मिनट, तो वो चाहेगा कि इनवर्ड फील्ड क्रिएट हो, तो इनवर्ड फील्ड क्रिएट हो तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज,
समझ में आया कि नहीं आया? बस सर आ गया। बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज पढ़िए रीना। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट अपोजेस द मोशन ऑफ लूप अवे फ्रॉम द वायर। As similar currents attract, so in nearer side of loop, the current will be upward. That is, the loop current is clockwise. चल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि draw the output waveform for the following gate. चलिए ये तो bye bye हो गया, बाहर हो गया। चलिए, next question पढ़िए रीना, 13. How are microwaves produced? Right, two important uses. तो माइक्रोवेव किससे प्रोड्यूस होती हैं? माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने के लिए क्लिस्ट्रॉन ट्यूब का यूज़ होता है, और माइक्रोवेव के दो यूज़ माइक्रोवेव ओवन में होता है और रडार में होता है ना। तो लिख लो बच्चों, माइक्रोवेव इसमें आंसर नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। लिखो बच्चों, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाई क्लिस्ट्रॉन ट्यूब। ये माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस का नाम है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब। इसके जो यूज़ होते हैं माइक्रोवेव के, यूज़ क्या होते हैं बच्चों, देखो इसका एक यूज़ लिखो, इन माइक्रोवेव ओवन, और दूसरा एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है ना, रडार से जो वेव टकरा करके आती है उसमें यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। समझ में आया बच्चों? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। क्या 14 वाले क्वेश्चन का डायग्राम दे दिया है? 14 क्वेश्चन तो दिए ही नहीं इसमें। चलिए बच्चों, 40 वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ आपको, कि आपके पास दो पार्टिकल थे बेटा, एक था आपके पास प्रोटॉन और एक था आपके पास न्यूट्रॉन। तो बेटा याद रखना कि ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है। तो अगर ड्यूट्रॉन का मास जो होता है वो होगा 2 times ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू 2 times ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन तो होते ही बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन। बट याद रखना दोनों के पास चार्ज सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, चाहे ड्यूट्रॉन कह लो चाहे प्रोटॉन कह लो। तो बच्चों क्या हो गया फॉर्मूला, आर इक्वल टू हो गया एमवी अपॉन क्यूबी। तो क्यूबी सेम है, बी भी सेम है, वी भी सेम है, केवल m पर वेरी करेगा। तो r प्रोपोर्शनल टू m, तो ड्यूट्रॉन की रेडियस क्योंकि बड़ी होती है प्रोटॉन से, मास बड़ा होता है, इसलिए रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन रेडियस फॉर प्रोटॉन। कहो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, रेडियस जो बनेगी ड्यूट्रॉन की वो बड़ी होगी। बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों। यस सर, दोनों का रेशियो बेटा 1/2 है। क्लियर? Yes, sir. चलिए 13 क्वेश्चन नीचे है, ऊपर 14, नीचे 13. 13 क्वेश्चन का आंसर पढ़ दीजिए एरीना, पढ़ा दिया आपको। Microwaves are produced by special vacuum tubes, namely klystrons, magnetrons, and gun diodes. Their frequency range is 3 GHz to 300 GHz. They are used in radar systems. हाँ ये लिख लो, फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लेना। Used in aircraft navigation and microwave uses in houses. बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये माइक्रोवेव की यूजेस हो गए, कि इसका जो यूज़ होता है, दे आर यूज इन रडार सिस्टम, यूजिंग इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड माइक्रोवेव यूजर्स इन हाउसेस। ठीक ना, ओवन, माइक्रोवेव ओवन बोल दो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए रीना। Draw a ray diagram to show the formation of the image in a far-sightedness hypermetropic eye. Show with the help of ray diagram how this defect is corrected. Okay. Image far-sightedness के लिए बताना है कि कैसा होता डायग्राम और साथ में इसको ठीक करने का तरीका। तो पहले डायग्राम देख लो बच्चों, जो स्वस्थ जो इमेज फॉर्मेशन हाइपरमेट्रोमिक आई का जो बन रहा है, लेंस की थिकनेस कम हो जाती है, तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो वो बहुत आगे फोकस करता है, तो इमेज यहाँ बनती है। तो ये तो इसके दो कारण होते हैं, या तो आई बॉल पुचक गई हो, मतलब आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, या आपका जो लेंस है वो सिकुड़ गया हो, तो लेंस के पतले हो जाने से आपका इमेज यहाँ बनेगी। करेक्ट करने के लिए बच्चों
करेक्ट करने के लिए जो हमारी आँख आँख में हम क्या लगाते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया करते हैं, तो जो नियर पॉइंट 25 पे बन रहा था वो नियर पॉइंट थोड़ा और पीछे बन जाएगा तो आँख सही हो जाएगी। पढ़िए एरिना, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। Far sightedness or hypermetropia. Hypermetropia is a defect of eye in which a person can see only farther objects but fails to see nearer objects distinctly. This effect is due to a increase in focal length of eye lens, c contraction of eye sphere. Due to these reasons, the image of a nearby object is formed behind the retina. Remedy: the near point of hypermetropic eye is replaced from d is equal to 25 centimeter to some distant point. To eliminate this defect, a convex lens of suitable focal length is used. The equivalent focal length of corrective convex lens should be decreased to a value such that the distinct image of nearby object is formed at the retina. Suppose the near point of a normal eye is at N and that of hypermetropic eye is at O. The corrective convex lens forms the image of the nearer point N at point O. Then this image will act as the object. Act as the object for eye lens and final image eye will be formed at the retina. Therefore, the corrective lens enables to form the distinct image of near point and at retina. Okay, clear हो गया? देखो बच्चों होता क्या है इसमें कि मतलब कि जैसे जो आँख होती है आँख का स्वस्थ आँख का हेल्दी आँख का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर हुआ करता है, ठीक ना। जब किसी को मायोपिया होता है ना तो जो उसका फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से आगे आ जाता है। मायोपिया होने पे जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी छोड़ के आगे की तरफ चला जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट होता है वो 25 छोड़ करके पीछे चला जाता है। मतलब एक्चुअली में होना था 25 पे मगर आँख ख़राब है तो इसका नियर पॉइंट यहाँ पर चला गया है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अब हमको यहाँ यहाँ नहीं रखना, ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को हमको इस प्लेस पर रखवाना है। तो क्या करते हैं जब हम ये लेंस रखते हैं तो यह जो ऑब्जेक्ट रखा तो यहीं पर है, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इसके नियर पॉइंट पे बनाना है, जो ख़राब वाला नियर पॉइंट है गड़बड़ नियर पॉइंट पे बनाएगा जो पीछे खसक गया 25 से भी पीछे खसक गया, तो इंसान को इमेज उसकी सही दिखेगी। बोलो समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं आया बच्चों? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए रही हूँ। प्लॉट अ ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and the series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:3 so that the energy stored in the two cases becomes the same. तो जिससे कि जो energy है दोनों की वो same रहे, तो आपको ratio of the potential difference आपको find करना है। तो देखिए दो capacitor हैं, एक है C1 एक है C2, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सी सीरीज़ इक्वल टू इतना और पैरेलल में इतना ये हो जाएगा। बोलिए यस और नो बच्चों, और एनर्जी सेम करने के लिए वोल्टेज निकाल लोगे, श्रुति बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बनेगा सर। एरिना आप बोलो बेटा। यस सर, बनेगा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा एरिना। कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन बिलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बताओ काम करता है कि नहीं करता है? जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या अपने अंदर से चार्ज जाने देगा कि नहीं जाने देगा? अरे बच्चों कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो चार्ज थोड़ा ना देगा अपने अंदर जाने के लिए, फिर वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा? ओपन नहीं है समझ? हाँ तो लिख लो इसको बोलते हैं मतलब बाद में स्टेडी स्टेट लिख लो। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट, लिख लो कुछ स्टार लगा के लिख लो। लिखो एट स्टेडी स्टेट
स्टेडी स्टेट को एक नाम और देते हैं, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, जब मामला शांत हो गया हो। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। क्लियर? बोलो यस और नो। क्लियर बच्चे? yes, sir. Yes. हाँ, तो बेटा ये वाली ब्रांच यूजलेस हो जाएगी, ये खुल जाएगी पूरी की पूरी ब्रांच, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो केवल किसका किसका मतलब रहेगा? इसका 6 वोल्ट का, ये 2.8 वोल्ट का, और 2 और 3 का पैरेलल। तो पहले 2 और 3 का पैरेलल निकाल लो, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स अपॉन फाइव, है ना, सिक्स अपॉन फाइव। तो यार कितना हो गया, सिक्स अपॉन फाइव 1.2 हो गया, है ना बेटा? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, 1.2 हो गया। अब 1.2 ये 2.8 हो गया, तो 1.2 में 2.8 जोड़ दो, है ना, 1.2 में 2.8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा तो करंट आ गई कितने एम्पियर, 4 एम्पियर। पूरे सर्किट से जो करंट जाएगी वो 4 एम्पियर जाएगी, सॉरी बेटा, हाँ टोटल रेजिस्टेंस आएगा 4, 1.2 और 2.8 रेजिस्टेंस आया 4, गलती से मेरे से करंट भूल गए। देखो ऊपर का रेजिस्टेंस 1.2 और नीचे का 2.8, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ओके, तो ये अपने पास वोल्टेज है, तो करंट इक्वल टू कितनी आएगी, 6/4 यानी कि 1.5। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अब देखिए कुछ करंट बटेगी तो कुछ जाएगी आई वन, कुछ जाएगी आई टू, तो हमको किसकी निकालना है, 2 एम्पियर की। तो मैंने क्या रूल सिखाया है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई जिसमें नहीं जा रही है, जिसमें नहीं जा रही है वो कितना है, 3, और बाकी दोनों का सम। तो 3 प्लस 2 कितना बेटा, 5। तो 5 से 1.3 कितने बार कटेगा बेटा, 0.3 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? श्रुति बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो जीरो, है ना, तो कितने बार कट गया, 0.3, और 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया, 0.9। तो मतलब इससे कितनी करंट जाएगी, 0.9 एम्पीयर। समझ में आया रीना कि नहीं आया? यस सर, आ गया। और दूसरा तरीका ये भी है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 3 2 6/5 आया था, तो करंट का मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो, वोल्टेज, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके करंट निकाल लो अलग अलग, जैसे इसने निकाल रखी है।